आज भाई हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से मालदीव्स को एक्सप्लोर करना है। सच्ची में कुछ हो रहा है? वो दूर निकली, किसको बुलाना पड़ता है? She don't know how to swim. एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ वेलकम टू मालदीव्स। तो आज भाई हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से जो है वो मालदीव्स को एक्सप्लोर करना है। आई जस्ट वोक अप और अभी मैंने सोचा कि हम लोगों के कमरे में जो इतना खूबसूरत व्यू है वहां से हम लोग एक्सप्लोर करें। लेकिन उसको एक्सप्लोर करने से पहले अगर आप लोग अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कॉमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? चले फिर आज एक्सप्लोर करने। आज जो हमने एक्सप्लोर करना है वो हमारे घर के बाहर ही है, मतलब हमारे साथ ही है, साथ वाले मोहल्ले में हमें जाना है। उस पे नहीं जाएंगे पूल पे, हम ओशन में जाएंगे, ठीक है? मुझे स्विमिंग नहीं आती, मुझे डर बड़ा लग रहा है। अच्छा वो नीचे बेस देख रहे हैं ना, उसके नीचे जमीन है तो लाइफ जैकेट्स भी हैं, तो हम लाइफ जैकेट्स पहन के आराम से कूद सकते हैं। मुझे डर लगता है पानी से। चलो वैसे अच्छी बात, अगर हमने स्कूबा डाइविंग करनी हुई ना तो यहाँ पे थोड़ी सी वो हो जाएगी प्रैक्टिस, डेमो हो जाएगा, देख लेंगे। लेकिन ऑब्वियसली स्कूबा डाइविंग कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, लेकिन चलाओ चले यार करते हैं, अभी जाना है, खाना खाने भी जाना है, टाइम नहीं है। चलें जी, मैं बस कपड़े शपड़े चेंज करती हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ, बालों को करते हैं हम अपना पैक। चेंज करने थोड़े से रफ कपड़े पहनो, रफ कपड़े ही पहनो, कपड़े पहनो क्योंकि ये सारे गीले हो जाए, फिर आके आएंगे, फिर चेंज करके फिर निकलेंगे। चेंज करके मैं आती हूँ और फिर कूदते हैं पानी में। A few moments later. ये देखें लड़का जो है ना वो पहली बार पानी में कूदने लगा है। नहीं नहीं डरना नहीं है, लाइफ जैकेट हमने यहाँ रखी हुई है। कितने वो है आप अरीब डरपोक, मुझे कब से आवाज दे रहे हो? जाओ लाइफ जैकेट पहन। मैं गई तो मैं वापस नहीं आई, लाइफ जैकेट इसलिए बना रहा हूँ। लोग कहेंगे कितने पागल है मालदीव आ गए यहाँ पे, इतने पानी में लाइफ जैकेट पहन के जा रहे हैं। 3, 2, जूते के बगैर ना, जूते के साथ बगैर जूता यहाँ से उतर जाएगा वहाँ पे। अगर कुछ हुआ डर लग रहा है जूता फेंक दूंगा, ठीक है? 3, 2, 1। अल्लाह डरती ही नहीं है ये बंदी। क्या हुआ? ये क्या कर रही हो? टांगे नीचे लगाओ ना, सच्ची में कुछ हो रहा है? एक मिनट आ रहा, ड्रामे कर रही हो जान के। आ गया आ गया आ गया आ गया, दूर निकल गई आला। वो दूर निकली, किसको बुलाना पड़ता है? डोंट नो हाउ टू स्विम ब्रो। भेज रहे, इकड़ा भेज रहे, समझ करो, इस तरह ही ना भेज रहे किसी को। चौड़ो तुम ना पियो पानी, कड़वा पानी है। री कौन समन लेने के देने पड़ गए, मजा करने जा रहे थे, अल्लाह माफ करे कुछ और ही होने लग गया। शुक्र है लाइव जैकेट बनाई हुई थी इसको। आ रहे हैं, सबर करो बस, आ गए एक मिनट। शुक्र है अल्लाह का लाइव जैकेट पहनी थी, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र आइंदा जाऊंगी। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा पंगे लेने का जहर कड़वा पानी है। मुझे ना तुम कूदने दे रही हो, ना तुम मुझे आने दे रही हो, और कुछ चीखे मारी जा रही हो। पहले 10 मिनट लगता था, तुम मजाक कर रही हो। मजाक नहीं कर रही थी, मेरी आंखें देखो अंदर से। बचत होगी, बचत होगी, शुक्र। दंडी पागल लाइफ गार्ड को बुलाया, मैंने कहा उसको बचा लो। कल आप उसके बगैर जाने लगे थे। क्या था? कितना शौक है तुम्हें जाने का, है किसी हो ना? मैं डर रही थी, मैं उधर चली जाती, मुझे फोन आता बचाने, मेरी तो आवाज भी नहीं आनी थी, आपने क्या मुझे डरा रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वो कह रहा है क्यों गए उधर? वो कह रहा है कि लाइफ जैकेट पहन के भी वही जाते हैं जिनको स्विमिंग आती होती है। बचत हो गई है। मैंने आपके लिए ये एक शुक्र अदा कर रही हूँ, बिना मैं कल जाने लगा था बिना लाइफ जैकेट के लिए, मुझे लगा था कि पाँव लग जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, पहले हंस रहा हूँ कि शायद मजाक कर रही है। मैं मजाक नहीं कर रही थी एकदम, मेरा दिल यहाँ पे आ गया था, सीरियसली मैं डर गया।
ऐसी चीजें वैसे कहा तो मैंने ही था चलो आओ चले, मैंने कहा तो मैंने था आओ चले। गाइस कभी भी ऐसे मत कूदना, ये मैं तो पता है मेरी बाजुओं में खलियां पड़ेंगी क्योंकि मैंने बहुत हाथ पांव मारे। जब मैं मेरा मुंह नीचे जाता था ना, मैंने कोई मास्क भी नहीं पहना होता था तो वो मेरे नाक के अंदर सर के अंदर पानी और मुझे बचाओ, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं आप ना आना, मैं कभी मैं कैसे बचाऊ। अब चलते कमरे में, और कमरे की चाबी अंदर आ गई, मैं भाग भाग के आऊँ अंदर से कैसे जाएंगे। खुलवा लेना, अब इतना जान की बाजी लगने लगी थी इधर। चाबी भी अंदर आ गई है, जाते हैं देखते क्या सीन है। खतरनाक है समंदर वाला काम, बहुत मुझे लगा उन्होंने नकली पूरी। मुझे इसलिए पानी से डर लगता है, तो मुझे इसलिए पानी से डर लगता है क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं है। आपने क्या करना था हैं, मुझे कुछ हो जाता तो इसलिए तो भाग भाग के आ रहा पागलों की तरह। एक भाई ट्राई करता जाने की, ये पकड़ना जाओ, वेट में हाथ धो, मैं इसके बगैर जाऊंगा, मैं मारूंगी लाइफ जैकेट। नहीं अरीम नहीं, लाइफ जैकेट के साथ खड़ा नहीं हुआ जाता। हाँ कुछ भी नहीं है, ये लाइफ जैकेट नहीं, मेरी जिंदगी खतरे में डाली है। अरीम ध्यान से बेबी, बहुत कड़वे है, कह तो रही हूँ वापिस आ जाओ प्लीज, आगे मत निकल जाना। यार यकीन करो अब तो मुझे भी डर लगना शुरू हो गया, मैं क्या करूँ, वाटर फोबिया हो गया बड़ा हैवी वाला। ये लड़के को ना मजाक सूझ रहे हैं। मैंने कहा अगर मैं आया था इकड़ा हीरो बन के, ऊपर लगता है दोनों चीखे मारे बचाओ बचाओ, लोग समझ रहे तो एंजॉय कर रहे हो। किसी ने भी बचाने नहीं आना था यार, दूर दूर तक कोई नहीं है। खैर अभी हम अपना यहाँ पे थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेना जिंदगी में अगर स्विमिंग नहीं आती तो। पानी बचत हो गई, अल्लाह का शुक्र है। चलाओ इकड़ा तुम यहाँ पे बैठो, मैंने तुम्हें मिट्टी में तकता हूँ, ठीक है? दबाने लगे हो? नहीं, एक बड़े मजे के मैं स्कल्पचर बनाऊंगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है? A few moments later. पेशे खिदमत है। ये लड़का अपनी शर्ट निचोड़ निचोड़ के पानी डालता रहा मेरे ऊपर। चलो अब निकलो। कैसे निकलो यार, इतना वजन ऊपर है। निकलो। चलो गाइस। इतनी मेहनत करके मिट्टी डाली थी, ये मिट्टी डाल दी आपने मेरे ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी मम्मी बना रही। सो फाइनली वापस आ गए हैं सही सलामत, थोड़ा एंजॉय करके। चलो अब तो आ गए, चाबी मंगवा रहे बंदे से, दरवाजा खोले और अंदर जाएं। A few moments later. चलें जी गाइस, हम हो चुके हैं तैयार एकदम परफेक्ट। ओए ओए व्हाट अ मैचिंग, ये भाई प्लानिंग वाली मैचिंग है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तो शुक्र है अल्लाह का कि नई जिंदगी मिल गई और नए तरीके से नए फ्रेश हो गए। या लेकिन वैसे ना सबसे अच्छी चीज उनकी लगी है क्विक रिस्पॉन्स, मैंने एक बार उनको कहा और वहीं से लाइफ गार्ड आया और सब कुछ, यानी कि इतनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी यहाँ की। यहाँ पे मुझे जेन्युइन बहुत मजा आया, यानी कि एक बार मैंने सिर्फ बोला है और वो सारे आ गए, दो बड़ी लोग आ गए हैं और ये पूछने के लिए भी आए कि हॉस्पिटल की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, मसला तो नहीं हुआ, एवरीथिंग इज गुड। दो बड़ी लोग आ गए, दोनों को मैंने कहा यार बस ठीक है ओके, नहीं अब तीसरा बंदा फिर मुझे मैसेज आ रहे हैं। मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी यहाँ की मालदीव्स की, कि वो बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, यानी कि ये हम जहाँ पे रह रहे हैं वो है सियाम वर्ल्ड, ये इस आइलैंड का नाम है, तो बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी। थैंक यू गाइस, मुझे भी जान बचा के बहुत मजा आ रहा है। मुझे तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। खैर आप बताएं कमेंट में, बहुत से लोगों की फरमाइश थी कि भाई लेकिन आप ही लिप्स का कलर चेंज कर रहे हैं, लिपस्टिक का कलर चेंज कर लें, तो मैंने लिपस्टिक का कलर चेंज कर लिया। मेरे हस्बैंड ने तो अभी तक कॉम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि उसको लगा मुझे हर तरह से अच्छा लगता है। आई ये हर हस्बैंड का एक ही जवाब होता है, चले ना कुछ खाए चले, अब बहुत भूख लग रही, जितना हमने स्विमिंग करके कूद लिया है, जितनी हमने हमारी एक्सरसाइज होगी एनर्जी लग गई है, उस हिसाब से हमें बहुत तेज भूख लग रही है। अब कुछ खाने पीने जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं मालदीव्स को, तो लेट्स गो। जाए नहीं सुनाए ऑडियंस गाना सुना चाहती है, मुझे नहीं आता। आए हाय हाय, यहाँ पे सुकून अलग लेवल, ओए मतलब क्या है, पीस है बस। यकीन करें अरीब की जिंदगी में परमानेंट पीस होने लगा था। आज जो पीस होने लगा था ना, बहुत परमानेंट था। यहाँ से ट्रैवल करने के लिए हमें वेट करना पड़ता है, बस आती है फिर बस सारा घुमाती है, हाँ। हर स्टॉप है यहाँ पे, बड़े मजे की चीज है, यानी कि आपको जाना पड़ता है, टाइमिंग्स है खाने की, नाश्ते की, लंच की, डिनर की, उस
उस टाइम जाएंगे बफे लगा होता है और वो पता है वो बफे आपको मिलता बिल्कुल फ्री है, यू डोंट नीड टू पे फॉर इट, आपके पैकेज में शामिल होता है। चले हम यहाँ से जा रहे हैं, सीधा पहुंचेंगे हम अपनी बस स्टेशन पे, वहाँ से हम अपनी बस पकड़ेंगे और फिर पहुंचते हैं रेस्टोरेंट। अब जो है हम बैठ गए अपनी प्यारी वाली बस में और हमें दिल्ली है जगह बिल्कुल फ्रंट पे, ऐसे लग रहा है जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, क्या खूबसूरत है, यहाँ से आपको दिखा रहे हैं जी। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं भाई, यहाँ पे तो कोई भी नहीं आ रही क्योंकि लंच का टाइम खत्म हो गया, वो कह रहे हैं कि आपको चेक करना पड़े। क्या मतलब आज क्या हम भूखे रहेंगे, उनको क्या हम डूबते डूबते बचते हैं, हमें हम पे थोड़ा सा थोड़ा ख्याल करें। इधर भी पूल है, वो कर लेते हैं, हाइटी है, शुक्र है, सैंडविचेस हैं, बर्गर्स वगैरह, मिनी बर्गर्स हैं, मिनी बार्स लगे हुए यहाँ पे। बाहर जाके देखते हैं बाहर का क्या सीन है भाई, बाहर तो पूरा बीच माहौल है भाई, बाहर ये वाला पूल है आई थिंक इनका ऑफिशियल पूल बड़ा वाला, और यहाँ पे हम बैठ के कुछ खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे। A few moments later. तो जी गाइस हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था, अब हम लोग प्रॉपर जो है वो एक्सप्लोर करने लगे हैं भाई। यहाँ पे फिर से लैंडिंग हो रही है सनसेट के साथ, व्हाट अ व्यू, ओए होए होए हैवी, क्या व्यू है यहाँ पे यार, चेक करो व्यू, चेक गोल्डन आ रहा है ये, और यहाँ पे मेरी कोई अच्छी पिक्चर लेनी है और मेरे प्रो मैक्स फोटोग्राफर। और ये देखें जी, ये सामने जो है ना लैंडिंग हो रही है सी प्लेन की, क्या ओ वाओ, ओ अरे फोटो रही, फोटो रही, मेरी फोटो प्लीज, ओ सी प्लेन भी आ गया, चलो पीछे ले लें। गाइस ये देखें रीप पर नाराज होके जा रहा है उधर, ये देखें इसकी एक भी फोटो अच्छी नहीं, मैंने अपनी सारी पिक्चर्स बनवा ली है पर इसकी कोई फोटो अच्छी नहीं ली, नाराज होके जा रहा है। बात तो सुनो यार, इधर आओ फोटो लूं आपकी, फोटो यार मैं अब क्या करूं भाई, मैं उस तरह की पिक्चर्स नहीं बना सकती जैसे गरीब अच्छी पिक्चर्स बनाता है मेरी, आ जाएगा खुद ही। मैं यहाँ पे साइकिल वाइकिल चलाती हूँ, थोड़ा मौज मस्ती करते हैं। जी गाइस मैं रीप को मना के ले आई हूँ और मैंने बोला मैं अच्छी अच्छी पिक्चर्स लूंगी आपकी, क्या कितना प्यारा बर्ड है यार, मैं यहाँ से कूद जाऊँ, अरे भैया मेरी इसके साथ फोटो बनाओ मेरी फिर से फोटो, वो कितना माशाल्लाह इट्स वेरी क्यूट यार, मैंने ना पहले देखा है, हाँ मुझे लगा शायद वो आर्टिफिशियल नहीं होता, हाँ वो बैठा हुआ है, नहीं 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 इट्स वेरी प्रिटी, माशाल्लाह 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 कितना खूबसूरत परिंदा है यार, भाग गया उड़ के, वो देखो वो जा रहा है, ये देखे वहां जाके बैठ गया, ओ माई गॉड गाइज, मैंने सोचा कि मैं आपको हल्का फुल्का जो रह गया वो सनसेट दिखा दूं, ये देखे सनसेट हो चुका है यहाँ से, ठीक है, और अरीब साहब जी यहाँ अपने कदमों के निशान बना रहे हैं और साथ गिर रहे, देखिए कितना स्कूल से बैठा उड़ गया, ओ गया ओ गया ओ गया ओ गया, अब उधर जाएगा, ओ भाई जहाँ जाते वहाँ क्यों नहीं जाते, उधर जाके बैठने लगा यार, कहाँ गया, निकल गया वो अपने घर को चला गया, दिन ढल गया, परिंदे रात के टाइम अपने घर को चले जाते हैं, ये कह रहे हैं कि तुम लोग भी अपने घर को जाओ, क्या हुआ काकी, जूता टूट गया, जूता टूट गया, ओहो चलो अब चले ऐसे अब चलते हैं गाइस डिनर करने के लिए क्योंकि रात हो गई है, फिर एक भाई निकले हुए हैं तो हमने कहा सोचो डिनर करें फिर करके निकलते हैं, अब जाएंगे हम कुछ दूसरे स्पॉट पे, ये एक स्पॉट था अब कोई दूसरे स्पॉट पे जाके दिखाते हैं आपको, लेट्स गो। अच्छा मैंने सुना था कि मालदीव में ना बस ऐसी कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो काफी चीजें हैं, डिपेंड करता है कि आप आइलैंड कौन सा चूज करते हो, ये बड़ा मैटर करता है, मैंने ये चीज अंदाजा लगाया है, और ये आइलैंड हमें सजेस्ट किया था एल्फगो वालों ने, मैंने आपको पहले भी बताया था अली विर्क साहब की कंपनी है एल्फगो, उन्होंने हमारा सारा टूर मैनेज किया और उन्होंने सारी अच्छे अच्छे स्पॉट्स अच्छी अच्छी जगह हमारे लिए सजेस्ट की है, तो हमें तो इस आइलैंड में आके बहुत मजा आया, मालदीव में आके बहुत, बल्कि हमारा पूरा ट्रिप भी बहुत अच्छा गुजरा, बेसिकली ना जो ये काम करते रहते हैं उनको आइडिया होता है, हम फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं हमें इतना आइडिया नहीं था, तो दैट्स व्हाई मेरे ख्याल से उनको ये पता था कि ये सबसे बेस्ट जगह है मालदीव के लिए, तो उन्होंने हमारा ये बुक कराया और बहुत अच्छा यार, मुझे बहुत मजा आया ये साइड ट्रिप पे, चीजों पे सब कुछ बहुत परफेक्ट था और हर चीज इतनी परफेक्ट थी कि बस मजा आ गया। अगर आप लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं,
तो अपना जो टूर है वो आप एल्फ गो के साथ बुक कराइएगा और अच्छा एक्सपीरियंस करिए, क्योंकि बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा और मैं पर्सनली सबको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोगों का भी टूर बहुत अच्छा गुजरेगा। तो मैंने लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंशन कर दिया है, आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट करें एंड एंजॉय करें। तो जी गाइज, फाइनली हम पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट में जहाँ से हम लोगों ने करना है डिनर। यहाँ पे तो पूरा नारियल का टोकरा टूटा, इधर ये कच्चा नारियल पक्का नारियल। A few moments later. So guys, हम लोगों ने डिनर शिनर कर लिया था, बड़ा मजा आया, हवा बहुत प्यारी चल रही है, मौसम बड़ा खूबसूरत हुआ है। अब हम जा रहे हैं वापस अपने कमरे में। ये बिस्किट किसके लिए लेके जा रही है? अपने लिए, ये बहुत मजे के। हाँ, मैंने कहा एक्स्ट्रा खाने के लिए ना, तो यहाँ पे बेसिकली ये बिस्किट्स चिप्स वगैरह की ना कोई दुकान नहीं है और हम ये चीजें इतनी मिस कर रहे हैं क्योंकि बाकी सारे कंट्रीज में ना बेटा यहाँ का खाना खाओ अच्छा, हम खाते पीते रहते थे इस तरह की चीजें। अरे अरे यार, यू आर सो मीन। ये देखो यार, डायनासोर। इसलिए कह रहे थे डायनासोर। अब चले बस, ये देखें ये डायनासोर, ठीक है। अल्लाह, मुझे इस बंदे ने ही डरा दिया। वैसे आप ना, आपका दिल चाहता है कि मैं चीखती चिलाती रहूं। A few moments later. चले जी गाइस, मैं आ चुकी थी अपने कमरे में और हम लोग गए हैं बहुत थक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरी वीडियो तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी होगी क्योंकि मैं इस काबिल हुई वीडियो उठ के बना सकी जो आज मेरा पूरा दिन में हाल हुआ। मैंने अपने घर वालों को कॉल की और मैंने सबको बारी 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 बताया एंड एवरीबॉडी वाज लाइक व्हाट, पागल हो गई हो, समंदर में क्यों कूद गई। तो घर वालों का बड़ा उस तरह का रिएक्शन था। वीडियो कॉल पे बात हुई, इसको मैं फोन में नहीं रिकॉर्ड कर सकी लेकिन मैं आपको उसका थोड़ा बहुत हिस्सा बता रही हूँ। अब मेरी अम्मा वाज लाइक कि यार मेरी, मैंने कहा मम्मा आपकी दुआओं ने, रीब ने मम्मा को कहा कि आपकी दुआओं ने उसको बचा लिया। तो सही में यार, मेरी फैमिली तो मेरे लिए दुआ करती है लेकिन आप लोग भी जो मेरे लिए दुआ करते हैं ना, वो मुझ तक जरूर पहुंचती है और मुझे अच्छा लगता है। इसी तरह मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआ करते रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।